लोकसभा के नौ निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन इस दौरान कई नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिले। जैसे कुछ सांसद लाल रंग की संविधान की किताब लेकर आए थे तो कुछ नीले रंग की। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जबरदस्त नारेबाजी भी देखने को मिली। इस दौरान कुछ सांसदों का शपथ ग्रहण चर्चा में आ गया और दिन भर सोशल मीडिया पर छाया रहा, क्योंकि उन्होंने शपथ के दौरान ऐसी ऐसी बातें बोली जिनकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए इन सांसदों के बारे में बताते हैं कि क्या किसने कहा। दरअसल प्रोटेम स्पीकर ने असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया। इस पर ओवैसी आए और बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसदी की शपथ ली। सांसद पद की शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय भीम जय मीम और जय तेलंगाना और आखिर में तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। इसी दौरान उन्होंने जय फिलिस्तीन का भी नारा लगाया। सुनिए जरा ओवैसी का यह बयान। फ़ाउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम जय मीम जय तीर अल्लाहु अकबर। वही जब शपथ के लिए अरुण गोविल का नाम पुकारा गया तो सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने जय श्री राम का नारा लगाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने शपथ ली। संस्कृत में शपथ लेने के बाद जब गोविल ने जय श्री राम कहा तो उसके तुरंत बाद जय अवधेश के नारे भी लगे। वहीं अरुण गोविल ने टेलीविजन के मशहूर धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। सुनिए अरुण गोविल ने शपथ ग्रहण के दौरान क्या कुछ कहा। लोकसभा अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्य अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां चाक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्षयामि। जय श्री राम जय भारत। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब शपथ लेने पोडियम पर पहुंचे तो पहले उन्होंने संविधान की प्रति लहराई और सदन में चारों तरफ उसे दिखाया, फिर हाथ में संविधान की प्रति लेकर अंग्रेजी में शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। शपथ के लिए जब राहुल गांधी का नाम पुकारा गया तो कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने भारत जोड़ो के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखिए राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण के दौरान क्या कुछ कहा। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. वहीं जब मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का नाम पुकारा गया तो हेमा मालिनी ने राधे राधे का उद्घोष किया। इस दरमियान पूरा संसद राधे राधे के नाम से गूंजने लगा।
सुनिए हेमा मालिनी ने शपथ ग्रहण के दौरान क्या कुछ कहा। देती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। वहीं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने शपथ के दौरान ईश्वर और अल्लाह की शपथ ली। देखिए जरा ये वीडियो। इमरान मसूद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर अल्लाह की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा मैं जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भीम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।